अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल विल बी फाइन. एज नो, वी आर ऑन चैप्टर नंबर 3, ऑफिस ऑटोमेशन. सो टुडे आवर टॉपिक इज वर्ड विंडो. एज यू नो, वर्ड विंडो कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स, दैट आर क्विक असिस्ट टूल बार, रिबन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार्स एंड स्टेटस बार. ठीक है. सो द मेन कंपोनेंट ऑफ विंडोज वर्ड, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. ठीक है. सो लेट्स मूव टू द क्विक असिस्ट टूल बार. Quick Assist Toolbar is located at the top left corner of the window. It provides easy access to commonly used save, undo and redo commands. ठीक है, ये चीज याद रखिएगा. जो आपके पास ये होती है यहाँ पे, ये आपके पास टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ये जो चीजें आपको नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड क्विक एसेस बार. और इसमें हमारे पास कमांड्स होते हैं. अगर आप देखें तो ये पर्पल से कलर के जो डिस्क फ्लॉपीज डिस्क नजर आती है, दैट इज कॉल्ड सेव. ठीक है, ये किसकी कमांड है? सेव की कमांड है. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अंडू और रीडू की कमांड होती है. ठीक है, सो अभी हमने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो मैं आपको ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाती हूँ अंडू और रीडू में. ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अपना नेम लिखती हूँ. ठीक है, और इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया. अब मुझे इसको ना लिखना नहीं था. ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहां से अंडू कर दूंगी. अंडू करूंगी तो वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया. ठीक है, उसके बाद अगर मुझे दोबारा चाहिए तो मैं क्या करूंगी, रीडो करूंगी. जैसे ही मैं इस वाले जो एरो पे क्लिक करूंगी तो वहां पे वापस लिखा हुआ मेरा नेम आ जाएगा. ठीक है, सो ये हमारे पास अंडू और रीडो की कमांड होती है. ठीक, जो कि कहां पे आपको मिलती है, क्विक असिस्ट टूल बार में. If the user click the down arrow at the right side, word will display a list of commands that can be quickly added or to remove from the quick assist toolbar. यहां पर अगर आपको ये चीज नजर आ रही हो तो ये क्या है, एक down arrow है. ठीक है, अगर जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं कोई और भी यहाँ पे इस क्विक असिस्ट टूल बार में मैं किसी और एलिमेंट को एड करना चाहती हूँ या किसी और कमांड को एड करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं इजिली एड कर सकती हूँ. ठीक है, कैसे, मैं आपको बताती हूँ. अब यहाँ पे ये वाला जो है, इस एरो को मैंने क्लिक किया. ठीक है, अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे ईमेल शो. अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या हो गया, ईमेल शो हो गया. ठीक है, अब मैंने ईमेल यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया. व्हाट अबाउट रिमूव, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो रिमूव फ्रॉम क्विक असिस्ट टूल बार, तो वो क्या हो गया, रिमूव हो गया. ठीक है, सो यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है ये है, इफ द यूजर क्लिक द डाउन एरो एट द राइट साइड. ठीक है, हमारे पास ये एरो कहाँ पे है, राइट साइड पे है. ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये एरो कहाँ पे है, राइट साइड पे है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, वर्ड विल डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ कमांड्स. लिस्ट ऑफ कमांड्स का मतलब ये कि यहां पे मैंने इस एरो पे क्लिक किया, मेरे पास डिफरेंट कमांड्स की लिस्ट आ गई. ठीक है, लिस्ट शो हो गई. ठीक है, दैट कैन बी क्विकली एडेड टू और रिमूव फ्रॉम द क्विक असिस्ट टूल बार. एडेड और रिमूव का मतलब क्या है, मैं अभी आपको बताती हूँ कि यहाँ पे इस मैंने एरो पे क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पे लिस्ट होगी. ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई भी कमांड यहाँ पे सेव कर सकती हूँ. ठीक है, यहाँ पे लिख सकती हूँ, जैसे मैं चाहती हूँ कि अभी मैंने आपको ईमेल की एग्जांपल दी थी, ईमेल वाला आइकन भी यहाँ पे शो हो जाए, तो ये क्या होगा, मेरे पास ईमेल वाला आइकन शो हो गया. ठीक है, डिस्प्ले हो गया. उसके बाद मैं चाहती हूँ कि ड्रॉ टेबल, टेबल का यहाँ पे जो है वो आइकन शो हो जाए. ठीक है, डिस्प्ले हो जाए, यहाँ पे कमांड शो हो जाए यहाँ पे. ठीक है, अब रिमूव का मतलब ये कि मैं इसको रिमूव करना चाह रही हूँ, रिमूव फ्रॉम क्विक असिस्ट टूल बार. मैंने इसको राइट क्लिक किया, ठीक है, माउस पे, तो ये क्या हो गया, रिमूव हो गया. ठीक है, अब मैंने राइट क्लिक किया माउस पे तो मेरे पास क्या चीज शो हो गई, रिमूव फ्रॉम क्विक असिस्ट टूल बार, और मैंने इसको रिमूव कर दिया. ठीक है, सो इसका मतलब ये है. आई होप आपको क्विक असिस्ट टूल बार की समझ आ गई होगी. ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं रिबन पे. रिबन इज लोकेटेड बिलो द टाइटल बार ऑफ वर्ड विंडो. ठीक है, क्या मतलब हुआ इस लाइन का, कि हमारे पास ये क्या है, ये जो थी ना टाइटल बार थी, इसमें आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल शो हो रहा है. यहां तक जो चीज थी, दैट इज क्विक असिस्ट टूल बार. उसके साथ अगर यहां पे देखें तो इसका क्या टाइटल है, डॉक्यूमेंट टू. अब इस टाइटल के नीचे ये जो टैब्स वाला है, ये चीज, ये सारी यहां तक, ठीक है, ये क्या है, आपके पास रिबन है. इस रिबन में आपके पास क्या चीजें हैं, टैब्स गिवन है. ठीक है, होम फाइल का टैब है, होम का है, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, ये सब आपके पास क्या है, टैब्स है. मैं जब इन टैब्स को क्लिक करूंगी तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये ग्रुप्स हो जाएंगे, और इस ग्रुप्स के अंदर क्या होंगे, आपके पास कमांड्स होंगे. ठीक है, जैसे अगर हम देखें इंसर्ट वाले में, तो यहाँ पे हमारे पास टेबल जो है वो ग्रुप है, और इसमें आप टेबल वाले को क्लिक करेंगे तो ये क्या होगी, कमांड्स होंगे. हमारे पास नेक्स्ट इलस्ट्रेशन का ग्रुप है, इलस्ट्रेशन के ग्रुप में जो है ये सब चीजें आएंगे, पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, शेप, स्मार्ट आर्ट,
चार्ट स्क्रीन शॉट्स, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स। उसके बाद ये आपके पास एप्स हैं, एप्स में विकिपीडिया, माय एप्स और स्टोर, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि रिबन के अंदर आपके पास टैब्स भी होते हैं और उस टैब्स के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। जैसे ये सेटअप हमारे पास पेज सेटअप ग्रुप है, पैराग्राफ हमारे पास ग्रुप है, अरेंज हमारे पास ग्रुप है। इसके अंदर हमारे पास जैसे पेज सेटअप के अंदर कमांड्स क्या हैं, पेजेस, पेज को मार्जिन करना, ओरिएंटेशन, साइज और कॉलम्स, ठीक है। रिबन कंसिस्ट ऑफ टैब्स, ग्रुप्स एंड कमांड्स, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इट प्रोवाइड एसेस टू कमांड्स डैट आर परफॉर्म वाइल वर्किंग ऑन डॉक्यूमेंट, ठीक है। इट प्रोवाइड एसेस टू कमांड्स डैट प्रोवाइड वर्किंग ऑन द डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे नेम लिखा हुआ था, ठीक है, मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाह रही हूँ, कलर चेंज करना चाह रही हूँ, तो मैं कौन से ग्रुप में जाऊंगी, फॉन्ट में। अब फॉन्ट ग्रुप में जाने के बाद मैं यहाँ पे इसको क्या कमांड दूंगी, कलर की कमांड दूंगी, ठीक है। ये मैंने इसको कलर इसका जो है वो चेंज कर दिया, इसका जो है बैकग्राउंड चेंज करना चाह रही हूँ मैं ऐसे। सो ये क्या हम दे रहे हैं, इसको कमांड दे रहे हैं, ठीक है। किसी भी डॉक्यूमेंट को जो है कमांड दे सकते हैं। अब यहाँ से वर्ड आर्ट जो है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि इसका साइज इंक्रीज हो जाए तो मैं जो हूँ वो इस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करूंगी। डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद इसको कमांड दूंगी, ठीक है, फॉन्ट साइज के। अगर मैं राइटिंग चेंज करना चाह रही हूं तो मैं यहां से इसकी राइटिंग चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर आर 9 टैब्स, टाइप्स ऑफ टैब्स इन द रिबन, विच आर फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड एड्स इन, ठीक है। होम टैब इज मोस्ट कॉमनली यूज टैब टू डिस्प्ले एनीथिंग ऑफ दीज टैब, जस्ट क्लिक ऑन इट, ठीक है। मतलब ये कि अगर आप यहां पे देखें तो मेरे पास ये सब क्या है, टैब्स हैं, ओके। मैं जिस भी टैब को क्लिक करूंगी मुझे उसके अकॉर्डिंग कमांड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं जैसे वर्ड को ओपन करती हूँ ना, तो मेरे पास जो है ना बाय डिफॉल्ट कौन सा टैब सेलेक्ट हुआ होता है, होम, ठीक है। सो इसके कहने का मतलब ये है कि यू कैन जस्ट क्लिक द टैब एंड योर डिजायर्ड कमांड विल बी appeared here, okay?